नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। शुरुआत करेंगे आज की खबरों के साथ। जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दो बड़े दिग्गज नेता यानी कि अखिलेश यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर आपको दिख सकते हैं। साथ ही विपक्ष के कई और बड़े नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। दिल्ली के नामी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट देर रात हैकर्स ने हैक कर दी। आपको बता दें, हैकर्स ने पूरी वेबसाइट को ब्लैक कर दिया और उस पर हैप्पी बर्थडे पूजा लिख दिया, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा के साथ कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल गुजरात के जामनगर में रीवा की कार एक पुलिसकर्मी की बाइक से टकरा गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। वहीं अब कांस्टेबल पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविरों का दौरा कर रही हैं। दरअसल प्रियंका यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना दूत के तौर पर ये दौरा कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जो बच्चे बेघर हुए हैं, दुनिया को उनकी मदद करनी चाहिए, साथ ही हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। और अब बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम की फिल्म परमाणु की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में हुई और करण जौहर ने उसमें शिरकत की। साथ ही फिल्म देखने के बाद करण जौहर ने ट्वीट किया कि एक फिल्म बहुत अच्छी है और रियल कहानी पर बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म बिल्कुल ट्रेलर की तरह जानदार है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।